अजमत ये देखो दीदी का पोता तो बर्तन था इसे। अच्छा ये इसने रखूंगी इस कमरे में। सर्वेद भाई अपनी गाड़ी सफा कर रहे हैं, घर सिंगार घर लगा हुआ था और सोलू देख सकते हैं। दोस्तों आप सब लोग कल बताए हुए थे कि हमारे माली साहब का प्रोग्राम मेले में लगा हुआ था, तो यहाँ के प्रधान जी इतना सुविधा अच्छी किए हुए हैं। देखो मेले खातिर छावनी बैठका हर चीज़ सुविधा है, माता रानी का पंडाल भी है। ये थोड़ा चल के दिखाते हैं दोस्तों, थोड़ा यहाँ का ऐसे लुक देख लीजिए। देख सकते हैं मेला मालिक ने इतनी अच्छी सुविधा किए थे कि जनतक बैठने के लिए टेंट और मैटी पूरे बिछवाए हुए थे, और इधर प्रशासन की व्यवस्था भी हुई थी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत हमारे छोटू डांसर चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे हैं, अच्छे रहना चाहिए। मैं भगवान से दुआ करते हैं दोस्तों को आप लोग अच्छे रहिए और आपका परिवार कुशल मंगल रहे। तो दोस्तों आप सब लोगों को 12 तारीख की जो जानकारी आप सब लोग बताए हुए थे, जिला अमेठी फूला मेला में हमारे सोनू डांसर जय मास्टर संगीत पाल का प्रोग्राम लगा हुआ था। तो दोस्तों आप सभी लोग से मैं अपनी गलती को माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो हम कल 11 तारीख बताए थे, 11 तारीख नहीं वो 12 तारीख थी, आज हो गई है 13 तारीख। दोस्तों इसके लिए आपका छोटा भाई छोटू डांसर आप सभी लोगों से गलती मानते हैं। जो मैंने लोकेशन सब कुछ अच्छा बताया था, जानकारी अच्छी बताए थे, बस इतना जो हम आप सब लोग बताए थे 11 तारीख, इसके लिए आप सब लोग से मैं माफ़ी चाहते हैं। 11 तारीख नहीं थी, कल 12 तारीख थी दोस्तों। और हम सभी लोग जिला अमेठी में मोहनगंज जानते हैं, मोहनगंज तिलोई जनपद अमेठी ग्राम स्वा फूला बोलते हैं दोस्तों। फूला में हमारे सोनू डांसर जयमस और संगीत पार्टी का प्रोग्राम दशहरे के उपलक्ष्य में यहाँ हर साल नौटंकी कराया जाता है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर 2 साल हो गया, अब की 2रा साल लगा हुआ है सोनू डांसर जयमस और संगीत पार्टी में। तो अब की 2री बार यहाँ पर आए हुए थे दोस्तों, और हमारे मालिक जी तो काफ़ी बोलते हैं कि 4-5 दिन उधर रावण बना हुआ शायद में दिखाई दे रहा। दशहरे के उपलक्ष्य हमारे सोनू डांसर पार्टी का प्रोग्राम यहाँ हर साल होता है दोस्तों। 2 साल से तो हमारे माली जी ही आ रहे हैं, और जब तक पसंद है हमारे माली जी की कलाकारी उब तक यहाँ बुलाते हैं या दिन बाद में उनकी मर्जी। तो हम सभी लोग 2 साल से यहाँ आ रहे हैं दोस्तों। आज हो गई जैसे कि 13 तारीख दसवां महीना सन 2024। आज की रात हमारे माली साहब का प्रोग्राम कहाँ पर है और कौन से ज़िला में? तो दोस्तों आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज की रात हमारे माली साहब का प्रोग्राम कहाँ पर है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक बेल आइकन घंटी जरूर से ज़रूर दबाएं, ताकि आपका छोटा भाई छोटू डांसर कोई नई वीडियो बनाते हैं दोस्तों तो आप सभी लोग का लोग तुरंत पहुँचे दोस्तों। और जो मुझसे छोटी मोटी गलती होती है अपना बेटा भाई समझकर मुझे करिएगा क्षमा दोस्तों। तो आज हम सभी लोग जिला रायबरेली में ही रहेंगे। आप सभी लोग जानते हैं हमारे मालिक जी जिला रायबरेली के हैं, सोनू डांसर जय मसूर संगीत पार्टी बिंदागंज बाजार हरपुहल्ला थाना जगतपुर तहसील सलोन। तो दोस्तों आज कहीं दूर नहीं है, हमारे मालिक साहब का थाना जगतपुर पड़ता है, तो जगतपुर का मेला लगता है जगतपुर का मेला वहां पर लगता है दोस्तों।
12 तारीख को नौटंकी किसी और की थी, आज जिसी की हो गई है 13 तारीख। आज हमारे मालिक सोनू डांसर जैमर स्वर संगीत पार्टी का प्रोग्राम लगा हुआ है दोस्तों। जिन भाई आना चाहते हैं आए और समय अनुसार मज़ा ले लें। तो आज की रात हमारे मालिक साहब का प्रोग्राम जगतपुर जानते हैं, जगतपुर थाना सभी लोग जानते होंगे, उम्मीदन नहीं जानते हैं तो सर्च करिए गूगल पर, आप सभी लोगों को तुरंत सारी जानकारी गूगल बता देगा। तो दोस्तों हम सभी लोग जगतपुर थाने में, आज थाने के जस्ट बगल में ही प्रोग्राम लगता है हर साल। तो दोस्तों पहले तो मैं खन्ना सिंह नौटंकी में काम करते थे, तो वहाँ तो 2-3 साल से जाते थे, अब यहाँ आ गए हैं। अब की सोनू डांसर जयमल सर से पार्टी का इन्वाइट किया गया है दोस्तों, तो हम सभी लोग आज की रात पहुँचेंगे। तो आए जिन भाई आना चाहते हैं सालों से सीधा जगतपुर, रायबरेली से आना चाहते हैं तब भी आए जगतपुर, ऊंचा हार से आना चाहते हैं वो भी आए, मुराई बाग से डलमऊ साइड से आते हैं तो सीधा वो भी जगतपुर आए, थाने सीधा थाने ही आए और वहीं पर जस्ट हाईवे के ही किनारे हमारे मालिक साहब का प्रोग्राम लगा है दोस्तों। तो आना मत भूलिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं छोटू डांसर, जो मुझसे छोटी मोटी गलतियां हुई अपना बेटा भाई समझकर मुझे करिएगा क्षमा प्लीज़। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक बेल आइकन घंटी जरूर से ज़रूर दबाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज की रात हम सभी लोग यहाँ पुलम थे, यहाँ देखो माता रानी का अभी मंदिर बना हुआ है, नहीं जो मंदिर अपने हाथों से सजाया जाता है ये देख सकते हैं माता रानी का। इधर बहुत पुरानी मंदिर हो गए तो हर साल मूर्ति बैठाते हैं दोस्तों। तो जो जानकारी थी आप सब लोग बता दिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग सुबह पहाड़, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।